डीएम के आदेश पर सीओ ने जवाहिरपुर में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया। न्यूज 9 टाइम्स पश्चिम चंपारण लौरिया से आशीष पांडे की रिपोर्ट। लौरिया अंचल अधिकारी के बार बार समझाने के बावजूद सड़क के किनारे घर बनाकर जमीन मालिक को परेशान करने वाले चार व्यक्तियों पर शुक्रवार को प्रशासन का कोपभाजन बनना पड़ा और उनके द्वारा जबरदस्ती अवैध रूप से जमीन पर कब्जा जमा कर घर बनाना महंगा पड़ा। बेलवा लखनपुर पंचायत के जवाहिरपुर गांव का, जहां रत्नेश कुमार के खतियानी जमीन के सामने के सरकारी जमीन पर गांव के ही मणिकांत महतो, छोटेलाल महतो, मिश्री महतो, विशेश्वर महतो ने अवैध रूप से कब्जा कर घर बना लिया था, जिसकी शिकायत 2 वर्ष से रत्नेश कुमार ने थाना और अंचलाधिकारी से कर रखी थी और न्याय की गुहार लगाई थी। इधर सीओ के बार बार समझाने और जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की सलाह देने के बावजूद चारों व्यक्तियों द्वारा खाली नहीं किया जा रहा था। इस बाबत अंचलाधिकारी नितेश कुमार सेठ ने बताया कि डीएम के आदेश पर शुक्रवार को जेसीबी मशीन के माध्यम से चारों घरों को हटाकर अतिक्रमण मुक्त किया गया है, जहां मौके पर स्थानीय थाना के दारोगा देवश्रण महतो, साथी दारोगा नितेश कुमार, शनचरी से जयशंकर राय के साथ जिला से महिला और पुरुष पुलिस बल को बुलाया गया था। सीओ श्री सेठ ने बताया कि अतिक्रमित किए गए चारों अतिक्रमणकारियों को मेरे द्वारा जमीन खाली करने के लिए चेतावनी नोटिस भी जारी किया गया था। इनके द्वारा खाली नहीं करने पर वहां से पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त किया गया है। न्यूज 9 टाइम्स।